हम हमेशा अपनी फसल को अच्छे तरीके से संभालना चाहते हैं और उसके लिए हमेशा से ही अच्छे उत्पादों से उसका संरक्षण करते हैं। फलस्वरूप फसल हमें अच्छी उपज देती है। ये भी सच है कि आज खेती का एक नया दौर आया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में उपज की मात्रा कम है और वो बढ़ाई जा सकती है। एक होशियार किसान ही फसल की क्षमता अनुसार उत्पादन लेने में कामयाब होगा। कीट प्रबंधन उपज बढ़ाने का एक प्राथमिक उपाय है। उसके लिए आपको इन चार सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्या आप सही दुश्मन को पहचान रहे हैं? आपकी फसल को ये दुश्मन कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या आप सही समय पर उसकी रोकथाम कर रहे हैं? फसल को फूल और फल आने के समय में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या वो आपकी फसल को मिल रही है? आइए हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल, क्या आप सही दुश्मन को पहचान रहे हैं? उड़ती हुई सफेद मक्खी? नहीं नहीं, निम्फ के व्यवस्थापन के उदाहरण से ज्यादातर सबका यही मानना है कि उड़ती हुई सफेद मक्खी नुकसान पहुंचाती है। परंतु सच ये है कि ये उड़ती हुई सफेद मक्खी सिर्फ तकरीबन 20% ही नुकसान पहुंचाती है। 80% नुकसान तो ये सफेद मक्खी के निम्फ पहुंचाते हैं। ये जानने के लिए हम सफेद मक्खी के जीवन चक्र को समझना होगा। सफेद मक्खी के जीवन चक्र के तीन हिस्से होते हैं। सफेद मक्खी पत्तियों के निचले हिस्से में तकरीबन 100 अंडे देती है। ये अंडे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते। कुछ समय बाद इनमें से निम्फ निकलते हैं। इन निम्फ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ट्रॉलर, पीले रंग की अवस्था और लाल आंखों वाले प्यूपा। ये निम्फ 15-20 दिन पौधों से रस चूसते रहते हैं। इसके कारण आपके पौधे का बड़ा दुश्मन निम्फ है, उड़ने वाली सफेद मक्खी नहीं। दूसरा सवाल, आपकी फसल को ये निम्फ कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये निम्फ पत्तियों के निचले भाग में रहते हैं और इनका आकार तकरीबन 1 इंच के 15वें हिस्से जितना होता है। इनको देखने के लिए लेंस का उपयोग करना बेहतर रहेगा। इन निम्फ का जीवन काल 15-20 दिन होता है, जो कि सफेद मक्खी के जीवन चक्र का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अंडों से बाहर निकल के ये निम्फ थोड़ी ही दूर चलते हैं और वहीं स्थिर होकर पूरा समय पौधों से रस चूसते रहते हैं, जिनसे पौधों का 80% तक का नुकसान हो जाता है। ये निम्फ विकसित होकर उड़ने वाली सफेद मक्खी बन जाते हैं और पौधों पर एक छाला छोड़कर उड़ जाते हैं। निम्फ के छोड़े हुए चिपके द्रव्य की वजह से काला फफूंद बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। इन उड़ने वाली सफेद मक्खी का जीवन काल तकरीबन 5 दिन का होता है। इन दिनों में ये सफेद मक्खी फिर से अंडे देने का काम करती है। सफेद मक्खी और निम्फ 25°C और ज्यादा तापमान में जल्दी बड़े होते हैं, जो कि भारत देश में सामान्य तापमान है। तो अभी आपने देखा कि उड़ने वाली सफेद मक्खी केवल 20% नुकसान पहुंचाती है और निम्फ 80% तक नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा सवाल, क्या आप सही समय पर उसकी रोकथाम कर रहे हैं? कुछ किसान सिर्फ उड़ने वाली मक्खी का ही प्रबंधन करते हैं, जो कि गलत बात नहीं है, पर ये सिर्फ 20% समस्या का ही समाधान है। तो क्या 20% समाधान के लिए 100% खर्च करना उचित होगा? नहीं, सफेद मक्खी निवारण करने के लिए दवाई का छिड़काव उड़ती हुई सफेद मक्खी के पहले निम्फ अवस्था में करना चाहिए। चौथा सवाल, फसल को फूल और फल आने के समय में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या वो आपके फसल को मिल रही है? फसल को अपने फूल और फल बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा फसल
इन निम्फ से लड़ते हुए खो देती है। नतीजा आपकी फसल की उत्पाद क्षमता कम हो जाती है और आपकी उपज में भारी नुकसान हो सकता है। बेहतर लाभ के लिए फसल की बढ़ती अवस्था में उसे सुरक्षित वातावरण देना चाहिए। इन चार सवालों का जवाब देने के लिए बायर लेके आया है एक ऐसा कीटनाशक जो आपकी फसल की पुनरुत्पादन अवस्था में पूरे पौधों में फैल के इस निम्फ नामक छिपे शत्रु को ढूंढकर समाप्त करता है और आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। मोमेंटो एनर्जी, ये दुनिया का पहला एकमात्र कीटनाशक है जिसमें है दो तरफा सुरक्षा देने की क्षमता। मोमेंटो एनर्जी पौधों में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर फैलने की क्षमता रखता है। ये क्षमता किसी भी अन्य कीटनाशक में नहीं है। दो तरफा सुरक्षा के फायदे, फसल में पूरा फैलाव। फसल की ऊंचाई बढ़ने के बावजूद मोमेंटो एनर्जी पौधे के सभी हिस्सों में पहुंच जाता है। दो, पुनरुत्पादन अवस्था में फसल को सुरक्षा। मोमेंटो एनर्जी फसल को पुनरुत्पादन अवस्था में निम्फ से मुक्त करता है, जिससे फसल को गुणवत्ता और उत्पाद की मात्रा बढ़ाने के लिए सुरक्षा प्राप्त होती है। आप अपनी फसल के पत्तों की निचली सतह जांच करते रहें या दो तीन सफेद मक्खी उड़ती दिखे तो मोमेंटो एनर्जी का स्प्रे करें। सही समय पर मोमेंटो एनर्जी का उपयोग आपकी फसल को निम्फ से तकरीबन 10 से 12 दिन की सुरक्षा देता है। तो अपनी फसल को दो तरफा सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए ऊर्जा प्रदान करें बायर के मोमेंटो एनर्जी के साथ।